दोस्तों आप ओनर 9 लाइट लेना पसंद करोगे या ओनर 7X? दोनों एक ही ब्रांड के फ़ोन हैं और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं ओनर 7X की जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छी हैं, बेस्ट है उसमें, और कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आप ओनर 9 लाइट ही लेना पसंद करोगे 7X की जगह पे। अब वैसे आप ऑनलाइन कंपेयर करोगे दोनों को तो शायद आपको दोनों में ज़्यादा फ़र्क देखने को ना मिले, लेकिन दोस्तों दोनों में फ़र्क तो है और इनका जो कैमरा है वो तो आपको कंफ्यूज करके रख देगा कि आप दोनों में से कौन सा लो। क्या क्या आपको मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे इन दोनों फ़ोन में वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और दोस्तों मैं ओनर 9 लाइट और MI A1 इन दोनों का कंपैरिजन आपको दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर प्राइस की हम बात करें तो ओनर 9 लाइट के आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, उसके लिए आपको पे करने होंगे 10999, और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14999। ओनर 7X के भी दो वेरिएंट हैं, 32GB स्टोरेज के साथ 12999 में, और 64GB के लिए आपको देने होंगे 15999। रैम दोनों वेरिएंट में ही आपको 4GB की मिलती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और दोनों ही स्मार्टफोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं, या तो आप इनमें ड्यूल सिम लगा पाओगे या एक सिम में SD कार्ड। तो ये तो थी प्राइस की बात, अब हम देखते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस आपको इन दोनों में देखने को मिलते हैं। देखो जो डिज़ाइन है वो दोनों फ़ोन का बिल्कुल ही अलग है। ओनर 9 लाइट आता है मेटल और ग्लास डिज़ाइन के साथ, मेटल फ्रेम के साथ आपको फ्रंट और बैक पे 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, और ओनर 7X का आपको यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन मिलता है। अब यहाँ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको ग्लास डिज़ाइन अच्छा लगेगा या मेटल। अब डिज़ाइन तो ठीक है, चलो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लोगे, लेकिन डिस्प्ले आपको सोच समझ के चूज़ करना होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा चाहिए। अब वैसे तो दोनों आते हैं 18:9 डिस्प्ले के साथ, लेकिन यहाँ फ़र्क है स्क्रीन साइज़ में। ओनर 9 लाइट का स्क्रीन साइज़ आपको मिलता है 5.65 इंच, और ओनर 7X आता है 5.93 इंच के साथ। अब यहाँ देखने में आपको भले ही ज़्यादा फ़र्क ना लगे, लेकिन ओनर 9 लाइट एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, आप सिंगल हैंड से इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। आपको ये फ़ोन होल्ड करने में ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई 5.2 इंच का स्मार्टफोन होल्ड किया है। ओनर 7X की आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है। अब मान लो आप कोई फ़ोन लेते हो 5.5 इंच का 16:9 डिस्प्ले के साथ, तो उतना बड़ा ही आपको ओनर 7X लगेगा 5.93 इंच स्क्रीन साइज के साथ। यहाँ अब आपको देखना होगा कि आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन लेना है या बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन चाहिए। बाकी प्रोसेसर आपको दोनों में ही सेम मिलता है, किरिन 659, और सभी बेसिक सेंसर्स भी आपको दोनों में मिलते हैं, जेरोस्कोप से लेकर कंपास तक, ये सब सेंसर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा OTG का सपोर्ट और LED नोटिफिकेशन लाइट भी आपको दोनों में मिलती है। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े डिफरेंस की जो कि कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि कैमरा आपको किस में अच्छा मिलता है। ओनर 9 लाइट में आपको फ्रंट और बैक पे ड्यूल कैमरास का सेटअप मिलता है 13+2 मेगापिक्सल, और ओनर 7X की मैं बात करूँ तो इसमें आपको रियर में ड्यूल कैमरास मिलते हैं 16+2 मेगापिक्सल, और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर आपको मिलता है। देखो वैसे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन जो फ़र्क है दोनों कैमराज में वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। एक तो अगर आपको स्लो मोशन वीडियो कैप्चर करनी है तो वो ऑप्शन आपको ओनर 9 लाइट में नहीं मिलता, ओनर 7X में आप स्लो मोशन वीडियो कैप्चर कर सकते हो। दूसरा फर्क आता है फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर। अब फुल HD वीडियो कैप्चर तो आप दोनों में ही कर सकते हो, लेकिन ओनर 9 लाइट में आप मैक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो कैप्चर कर पाओगे, जबकि ओनर 7X में आपको 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ साथ 60 फ्रेम पर सेकंड का भी ऑप्शन मिलता है, और रियर कैमरा से जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आपको थोड़ी बेटर मिलती है ओनर 7X की। जो वीडियो में कलर कंट्रास्ट वगैरह है वो थोड़ा सा बेटर आता है ओनर 9 लाइट के कंपैरिजन में। इमेज क्वालिटी में भी आपको सेम ओनर 7X में थोड़ा बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कलर्स हैं वो थोड़े नेचुरल आते हैं ओनर 9 लाइट के कंपैरिजन में। तो ओनर 7X का रियर कैमरा थोड़ा बेटर है ओनर 9 लाइट के कंपैरिजन में। अब ऐसा नहीं है कि ओनर 9 लाइट का कैमरा बेकार है, उसका कैमरा भी बहुत अच्छा है अपनी जगह पे। जो कलर्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर के लेवल पे है, उसे अपडेट से सॉल्व किया जा सकता है। यही अगर आप ओनर 9 लाइट का कैमरा मैनुअल मोड पे यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप दोनों को अगर कंपेयर नहीं करोगे तो हो सकता है आपको इमेज क्वालिटी में कोई भी कमी ना लगे, और अगर फ्रंट कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो ऐसे में ओनर 9 लाइट विनर है। चाहे आप वीडियो की बात करो या इमेज क्वालिटी की, दोनों में ओनर 9 लाइट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है ओनर 7X के कंपैरिजन में। पोर्ट्रेट मोड तो आपको ओनर 7X में भी मिलता है फ्रंट कैमरा के लिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के लेवल पे काम करता है। ओनर 9 लाइट का जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, उसकी मदद से क्या होता है, जब आप कोई पिक्चर क्लिक करके बैकग्राउंड ब्लर करते हैं
तो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसके जो एजेस है वो थोड़े शार्प रहते हैं, जबकि ओनर 7X में कई बार क्या होता है एजेस भी साथ में ब्लर हो जाते हैं बैकग्राउंड के साथ साथ। तो फ्रंट कैमरा ओनर 9 लाइट का अच्छा है और रियर कैमरा ओनर 7X का। इसके अलावा बैटरी आपको ओनर 7X में मिलती है 3340 mAh और ओनर 9 लाइट आता है 3000 mAh के साथ। अब नंबर्स देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ओनर 7X में आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो आपको ओनर 9 लाइट में लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है और ओनर 7X आता है लिथियम आयन बैटरी के साथ। और दूसरी बात यह है कि जो ओनर 9 लाइट है उसका जो डिस्प्ले साइज है वो छोटा है ओनर 7X के कंपैरिजन में। तो आप ये मान लो कि जो बैटरी बैकअप है वो आपको दोनों में एक जैसा ही मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको ओनर 9 लाइट में, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो के साथ आता है और साथ में आपको उसमें मिलता है लेटेस्ट EMUI 8। तो जो EMUI 8 है एंड्रॉइड ओरियो के साथ वो बैटरी कम कंज्यूम करता है अगर आप उसे कंपेयर करोगे ओनर 7X के एंड्रॉइड नोगट और EMUI 5.1 के साथ। हालांकि अभी कुछ टाइम में आपको ओनर 7X में भी EMUI 8 का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन अभी वो आता है एंड्रॉइड नोगट और EMUI 5.1 के साथ। इसके अलावा फेस अनलॉक का फीचर भी आने वाला है ओनर 7X में और ओनर 9 लाइट के लिए भी ये अपडेट जल्दी रोल आउट किया जाएगा। जो चाइनीज वेरिएंट है ओनर 9 लाइट का उसमें तो ऑलरेडी ये अपडेट मिल चुका है, इंडियन वेरिएंट के लिए भी जल्दी ये अपडेट रोल आउट किया जाएगा। तो दोस्तों बस यही डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं दोनों में, आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन लेना पसंद करोगे और क्यों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।